नमस्कार आज का सेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एन के बारे में आप लोगों को आज यहाँ पे बताने वाला हूँ बहुत खास रिपोर्ट जो कि एन इंडिया के अंदर छुपी रहती हैं और हमको यहाँ पर पता नहीं चलता है ठीक है तो बेसिक अगर हमने यहाँ पे स्टॉक मार्केट स्टार्टिंग की है तो हमारा काम यहाँ पर ये होना चाहिए एन की वेबसाइट को ठीक से पहचाने सबसे फर्स्ट काम हमको यहां पे एनएससी की वेबसाइट में विजिट करना चाहिए सारे ही स्टॉक सारा ही डेटा सबसे पहले कहां पे आता है यहाँ पे आएगा उसके बाद यहाँ पे अदर वेबसाइट के अंदर जाता है जैसे मनी कंट्रोल इन्वेस्टिंग या फिर economic time ध्यान देना सबसे पहला कोई भी चीज यहाँ पे आएगा भले ही वो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन हो आईपीओ हो या कोई स्टॉक के अंदर चेंजमेंट हो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी है कैसे आपको यहाँ पे एनएससी वेबसाइट को देखनी है इसको हम डिटेल में समझेंगे सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं एन है क्या चीज़ एन स्टॉक एक्सचेंज है और ये उसके यहाँ पे वेबसाइट है ठीक है तो इसको हम ध्यान से समझते हैं कौन कौन से ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कि हमको पता नहीं रहती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट उनको हमको यहाँ पे देखनी होती हैं और जो मैं डेली एनालिसिस के अंदर भी आप लोगों को बताता हूँ वो चीज़ भी इसके अंदर शामिल है तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा ठीक है एनआईसी इंडिया डॉट कॉम आप यहाँ पे मोबाइल के अंदर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर सर्च करेंगे लेकिन आपको करना है क्रोम के अंदर ठीक है इसके लिए आपको कोई अलग सी एप्लीकेशन नहीं है एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो उतना खास वहां पे नहीं मिलेगा आपको इसके लिए आपको यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर ही सर्च करना पड़ेगा एनआईसी इंडिया डॉट कॉम अब यहाँ पे इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन होगा यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यू वेबसाइट है जो हमने यहाँ पे खोल रखी है अगर आपको यहाँ पे स्विच करना है पुरानी वेबसाइट के अंदर तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन दिया हुआ है ध्यान देना यहाँ पे क्लिक हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पुरानी वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो पुरानी वेबसाइट के अंदर मैं आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वो कभी भी बंद हो सकती है ठीक है एनएससी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रखी है उसको कभी भी ये लोग बंद कर सकते हैं हम लोग भी पहले उसी को यूज करते थे पुरानी वेबसाइट वो थोड़ी सी यहाँ पे आसानी रहती थी वहां पे देखने के लिए लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे भी आसान है इन लोगों ने और भी अच्छा यहाँ पे बना दिया है एक ही पेज के अंदर यहाँ पे सब कुछ है बस यहां पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है सबसे पहले आप इस वेबसाइट के अंदर देखेंगे होम अबाउट मार्केट डेटा इन्वेस्ट लिस्ट ट्रेड रेगुलेशन लर्न ऑन सोर्सेज जो इसमें से कुछ जरूरी चीजें होंगी वही चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा ठीक है बाकी इसके अंदर अगर मैं बताने लग जाऊं तो काफी टाइम यहां पे लग जाएगा सबसे पहले दोस्तों यहां पे जब भी हम मार्केट के अंदर देखते हैं इंडेसिज तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से यहाँ पे इंडेसिज हैं और किस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने सेलेक्ट किए हैं वो समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपने सेक्टर के स्टॉक चूज कर सको जैसे कि यहाँ पे कस्टमाइज इंडैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है जो इंडेसेज यहाँ पे लगे हुए हैं जैसे कि निप्टी फिफ्टी निप्टी नेक्स्ट फिफ्टी निप्टी मिड कैप फिफ्टी निपटी बैंक निप्टी फाइनेंशियल सर्विस तो यहाँ पे अगर आपको कस्टमाइज करना है इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा ये मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो यहां पे सारे ही इंडेसेस आ जाएंगे ठीक है इसको आप समझना अगर मेरे नए भाई लोग हैं इसको जरूर समझना आप लोग अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने वाला हूं यहां पे आप देखो यहां पे क्या लिखा है निफ्टी फिफ्टी बोर्ड मार्केट इंडेसिज ध्यान देना बोर्ड मार्केट इंडेज इट मीन जैसे कि हमारा यहां पे क्रिकेट बोर्ड होता है वो यहां पे टीम सेलेक्ट करता है तो ये बोर्ड द्वारा सेलेक्ट की हुई इंडेज है ठीक है ये बोर्ड द्वारा बिल्कुल नंबर वन क्वालिटी के आपको यहां पे इंडैसेज मिलेंगे जो इसके अंदर स्टॉक्स मिलेंगे जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम की ए टीम होती है जो यहाँ पे इंटरनेशनल मैच खेलती है ठीक है और उसी तरह से भी बी टीम होती है सी टीम होती है तो इस तरह से अदर टीम होते हैं स्टेट वाइज भी टीम आ जाती हैं यहाँ पे तो ये सेलेक्टेड टीम है यहाँ पे एन द्वारा तो यहाँ पे सेलेक्टेड स्टॉक है यहाँ पे देखो निप्टी फिफ्टी यहाँ पे आ जाएगा निप्टी नेक्स्ट फिफ्टी निप्टी मिड कैप फिफ्टी निप्टी मिड कैप हंड्रेड निप्टी मिड कैप वन देखो देखो यहाँ पे क्वालिटी वाइज आ रहे हैं ठीक है निफ्टी स्मॉल कैप फिफ्टी अब यहां पे देखो क्या आ गया स्मॉल कैप की बारी आ गई अभी तक क्या यहां पे ये यह देखो यहां पे ध्यान देना अभी तक यहां पे निफ्टी फिफ्टी निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी निफ्टी मिड कैप ये दो ये दो जो यहां पे इंडिया है यहां पे लास्ट कैप कंपनी हमारी ठीक है लास्ट कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप यहां पर बीस करोड़ से ऊपर की यहां पर ठीक है बीस करोड़ और उसके बाद यहां पर देखो यहां से शुरू हो गया मिड कैप ध्यान देना फर्स्ट सेकंड ये लास्ट कैप उसके बाद मिड कैप शुरू हो गया मिड कैप कहां तक है यहां देखना ये तीन यहां पे हमारे मिड कैप मिटकअप है निप्टी मिटकअप फिफ्टी मिड कैप हंड्रेड निफ्टी मिड कैप वन फिफ्टी यानी कि मिड कैप के अंदर अगर हमको यहां पे निवेश करना है तो सबसे टॉप का क्या हमारे पास यहां निफ्टी मिड कैप फिफ्टी जैसे कि निफ्टी फिफ्टी लास्ट कैप के अंदर तो इसकी जो कैपिटलाइजेशन होती है वो होती है यहां पे बीस करोड़ से नीचे को उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे मिड कैप यानी कि 5000 से लेके 20 के बीच में जो होते हैं वो मिड कैप के अंदर आएंगे ठीक है तो यहाँ पे ये यह आपके हो गए मिड कैप अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आप ध्यान देना मिड कैप हमारे हो चुके हैं अब बारी आ जाती है यहाँ पे स्मॉल कैप स्मॉल कैप के अंदर हमारे पास यहाँ पे कितने है? तीन हैं तीन इंडाइसेज हैं निफ्टी स्मॉल कैप फिफ्टी निफ्टी स्मॉल कैप हंड्रेड निफ्टी स्मॉल कैप टू अब मुझे यहां पे निफ्टी स्मॉल कैप से कोई स्टॉक चूज करना है बेस्ट तो मैं कहां से चूज करूंगा मैं चूज करूंगा तो टॉप प्लेयर है इसके अंदर निफ्टी स्मॉल कैप फिफ्टी करेक्ट और उसी प्रकार से निफ्टी मिड कैप फिफ्टी अगर मेरे को यहां मिड कैप का स्टॉक चाहिए तो मैं यहां से चूज करूंगा फिफ्टी से अगर मेरे को यहां पे लार्ज कैप चाहिए तो निफ्टी फिफ्टी से चूज करूंगा राइट अब यहां पर थोड़ा सा नीचे आ जाइए यहां पर ये मिक्स वाले आपके आ जाएंगे निफ्टी मिड स्मॉल कैप फोर यहां पर दोनों का मिश्रण है ध्यान देना दोनों का यहां पे मिश्रण है मिड कैप का भी और स्मॉल कैप का भी ठीक है इसके अंदर निफ्टी मिड स्मॉल कैप फोर हंड्रेड यहां पे निफ्टी 100 और निफ्टी 200 ये सारे यहां पे तीनों ही इंड यहां पे क्या है ये बिल्कुल मिक्स हैं तीनों ही यहां पे मिक्स रहेंगे इसके अंदर ठीक है तो इसके अंदर कितने इंडासीज हैं जो बोर्ड मार्केट इंडाइसिज है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन अलेवन इंडा यहां पे बोर्ड द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं उसके बाद तो यहाँ पे सेक्टरल इंडेज तो यहां पे देखेंगे सेक्टर्स के अंदर ये ऑटो सेक्टर के ऑटो सेक्टर का यहाँ पे इंडेट्रीज अलग है निफ्टी बैंक का अलग है टोटल बैंक सेक्टर इसके अंदर होंगे उसके बाद निफ्टी एनर्जी एनर्जी के स्टॉक होंगे तो उसी प्रकार से पूरे फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंस एफएमसीजी के अंदर यहाँ पे एफएमसीजी के स्टॉक्स निफ्टी आईटी के अंदर पूरे आईटी के स्टॉक्स होंगे यहाँ पे जो इंडेसिज हैं ठीक है और मीडिया के अंदर पूरे मीडिया वाले मेटल के अंदर पूरे धातु जितने यहां पे निप्टी फार्मा के अंदर पूरी जो दवाइयों वाले कंपनियां होती है ठीक है फार्मा के अंदर पीएच बैंक के अंदर जो भी यहाँ पे सरकारी बैंक है वो यहाँ पे आ जाएंगे निपटी रियलिटी के अंदर पूरे यहां पे रियलिटी आ जाएंगे तो ये क्या हो गया यहाँ पे सेक्टरियल इंडस्ट्रीज उसके बाद स्ट्रेटेजी इंडस्ट्रीज यहां पे क्वालिटी वाइज रखे हुए हैं ध्यान देना क्वालिटी वाइज जैसे कि मैंने बोला था क्रिकेट टीम यहाँ पे सेलेक्ट की गई उसके बाद यहां पर देखेंगे सेक्टरियल इंडस्ट्रीज बॉलर हमारे पास कितने हैं बैट्समैन कितने हैं फील्डर यहाँ पे कितने हैं और इस तरह से पूरे सेक्टर बन गया ना अलग अलग सेक्टर बन गए यहाँ पे बॉलिंग वाले अलग विकेट कीपर अलग सारे वो पूरे अगर बोर्ड के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर कितने प्लेयर होते होंगे लगभग एक हजार प्लेयर होते होंगे हमारे पास वहां से भी सेलेक्ट करने पड़ते हैं तो उसी तरह का सेम यहाँ पे है नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजी इंडस्ट्रीज इसके अंदर क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी इंडस्ट्रीज के अंदर इट मीन्स यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे उन खिलाड़ियों को जो लोग यहां पे कोई सेंचुरी मारता हुआ यहां पे लगातार सेंचुरी तो उस तरह से यहां पे रख देंगे निफ्टी डेविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 जो सबसे ज्यादा यहां पे डेविडेंट देते हैं वो मुझे यहां से मिलेगा ध्यान देना मेरे को यहां से मिलेगा डेविडेंड मीन जो यहां पे कंटिन्यू शतक मार रहा है यहां पे ऐसे खिलाड़ी मेरे को यहां मिलेंगे ठीक है उसके बाद निफ्टी फिफ्टी वैल्यू जो एवरेज प्लेयर है अच्छा खेलता है एवरेज प्लेयर तो इस तरह के स्टॉक हम यहाँ पे क्रिकेट के उससे मान सकते हैं ये वाला स्टॉक हम यहाँ पे इसके अंदर से स्टॉक चूज करेंगे ठीक है तो उसी प्रकार से निफ्टी हंड्रेड क्वालिटी थर्टी निफ्टी फिफ्टी इक्वल वेट और निफ्टी हंड्रेड इक्वल वेट निफ्टी हंड्रेड लो वॉलेटिलिटी जो यहाँ पे बहुत स्लो खेलते हैं टेस्ट प्लेयर जिस प्रकार से यहाँ पे होता है ठीक है निफ्टी अल्फा फिफ्टी जो तेज खेलते हैं यहाँ पे बहुत तेज निफ्टी टू हंड्रेड क्वालिटी थर्टी ये भी यहाँ पे काफी तेज खेलने खिलाड़ी हैं निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी ये लो वॉल इनके फ्लैक्चुअलिटीज के अंदर कम है एक की जगह खड़ा रहता है कम मूवमेंट करता है वहां पर रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी वहां पे कम है ठीक है निफ्टी 200 हंड्रेड मोमेंटम थर्टी जो यहाँ पे स्टॉक्स मोमेंटम की तरफ चलते हैं मोमेंटम मीन्स जिस तरह से उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी जो रिजल्ट हो उसके आएंगे उसी तरह से वो मूव करेगा वहां पे ठीक है इसको बोलते हैं मोमेंटम और उसके बाद यहाँ पे थीमेटिक इंडस्स ये थीम बेसिस पे काम करते हैं थीम बेसिस निफ्टी कमोडिटीज एक थीम आ गया ना थीम बेसिस पे मिलते जुलते जो थीम है वो यहां पे धातु वाले वही सेम इसका यहां पे भी ग्रोथ है, है? तो इस तरह की यहां पे चीजें नहीं रखी ठीक है निपट्टी सीपीएससी निप्टी इंडिया कंजपन तो उसी तरह का है ठीक है तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा जब भी आपको यहां पे स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे तो आप यहां पे आ सकते हैं और यहां से स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं ये मैंने आपको यहां पे इंडेसेस टोटल बता दिए अब मैं पढ़ूंगा यहां पे नेक्स्ट डेटा की तरफ यहां पे अगर आप आ जाएंगे मार्केट अबाउट अबाउट के अंदर यहां पे आपके पास क्या क्या मिल जाता है सिक्योर एंड की पर्सनल इन्वेस्टर्स रिलेशन अवार्ड एंड रिकॉगनेस रेगुलेशन यहां पर आप देख सकते हैं इवेंट गैलरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट गैलरी के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरे जितने भी यहाँ पे इवेंट होने वाले हैं कोई यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है कोई कॉरपोरेट एक्शन है ठीक है तो वो यहां पे आपके पास आ जाएंगे उसके बाद यहां पे मीडिया होलीडे होलीडे आप यहां पे चेक कर सकते हैं छुट्टी कब कब है यहां पे क्लिक करेंगे पूरी छुट्टियां आपके सामने यहाँ पे खुल जाएंगी कैरियर कॉन्टैक्टर्स यहाँ पे इतना एन एस सी ग्रुप कंपनीज यहाँ पे एन एस सी अकेडमी एनएससी क्लियरिंग तो ये अलग चीजें यहाँ पे ठीक है इसको हमको ज्यादा देखने की जरूरत है तो यहाँ पे हमारे पास जानने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं ठीक है उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे मार्केट डेटा पे मार्केट डेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री ओपन मार्केट जब भी यहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे प्री ओपन मार्केट में मैं क्लिक करूंगा जैसे ही तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा मार्केट ओपनिंग के टाइम कौन कौन से स्टॉक यहाँ पे गेनर थे ध्यान बैट किन के अंदर लगी कौन यहाँ पे ऊपर थे वही यहाँ पे ज्यादातर ऊपर रहते हैं पूरे दिन भर ठीक है तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं ये आपके सामने स्टॉक आगे टॉप गेनर यहाँ पे ऊपर में होंगे जैसे कि यहाँ पे अदानी पोर्ट हीरो मोटोकॉफ आई ओ सी एशियन पेंट ये टॉप गेनर आज के थे यहाँ पे और टॉप लूजर भी आपको यहाँ पे मिलेगा टॉप लूजर जो है वो यहाँ पे प्रेशर में ही रहता है ज्यादातर आइसर मोटर आपके सामने यहाँ पे टॉप लूजर था आज का तो इसका भी आप देख सकते हैं यहां पे क्या हुआ इसको डेली आप चेक कर सकते हैं इस तरह से तो फिर से मैं यहां पे बैक करूंगा और मार्केट डेटा पे ही हम यहां पे चले जाएंगे सेम जगह इक्विटी एस एमवी मार्केट डेरिवेटिव मार्केट पूरे डेरिवेटिव स्टॉक यहां पे आपके सामने ओपन हो जाएंगे इंडेसेज के अंदर आप क्लिक करेंगे जैसे कि मैंने बताया था आपको पूरे इंडेसेस आपके सामने यहां पे ओपन हो जाएंगे जिस तरह से पहले हमने यहां पे ओपन किया था तो यहां से इस चीज को आप क्या कर सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं सेज फाइल ठीक है इसको आप एक्सल के अंदर आसानी से आराम से देख सकते हैं तसल्ली से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी निफ्टी हंड्रेड निफ्टी टू हंड्रेड और निफ्टी फाइव हंड्रेड मिड कैप फिफ्टी तो जैसे निफ्टी मिड कैप फिफ्टी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो वो स्टॉक से मेरे सामने आ जाएंगे इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक है निफ्टी फिफ्टी तो यहाँ से आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे जो लोग यहाँ पे ई के अंदर निवेश करते थे ठीक है ई भी इन्हीं से बनता है जो हम ईटीएफ के अंदर निवेश करते हैं तो यहीं से बनता है वो ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे स्टॉक आपके सामने आप खुल जाएंगे यहाँ पे ठीक है माइंट्री है यहाँ पे श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एल हाउसिंग फाइनेंस टोरेंट पावर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अपोलो हॉस्टल तो इस तरह से यहाँ पे पूरे स्टॉक्स सा आपके सामने मिल जाएंगे यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को पचास स्टॉक है यहाँ पे निप्टी मिड कैप फिफ्टी के अंदर फिर से मैं यहाँ पे मार्केट डेटा के अंदर क्लिक करूंगा आप यहाँ पे क्या जरूरी चीजें हैं जो कि हमको यहाँ पे देखना है फिक्स इनकम डेप्थ मार्केट ये कोई जरूरी नहीं कॉल एक्शन लिक्विडिटी सिक्योरिटीज सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग ये कोई जरूरी नहीं है सिक्योरिटी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग कॉन्टेक्ट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग प्राइस बैंड एंड सर्वेलेंस एक्शन तो मैंने जैसे कि बोला था इसके अंदर बहुत जरूरी यहाँ पे अपडेट्स रहती हैं रिपोर्ट्स रहती हैं तो यहां पे आप क्लिक करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है यहाँ पे देखो अगर आप निवेशक हैं तो इस चीज को आप यहाँ पे जरूर देखेंगे ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो रूमर्स वेरिफिकेशन लेटेस्ट न्यूज कौन कौन से न्यूज यहां पे ऐसे आए जो रूमर की तरह यहां पे स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए ऐसा कर, किया जाता है ठीक है यानी कि मीडिया को पैसा देके एक रूमर्स फैला दिया जाता है हां ये स्टॉक चलने वाला है इसके अंदर ये चीजें होने वाली हैं और इसके अंदर हम क्लिक करेंगे रूमर्स वेरिफिकेशन लेटेस्ट न्यूज क्योंकि गलत न्यूज भी आते हैं न्यूज के अंदर आप ये मत समझना कि सही न्यूज आते हैं वहां पर गलत न्यूज भी होते हैं इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड यहां पे गलत न्यूज आई थी उषा मार्टिन के अंदर यहां पे गलत न्यूज दी गई थी टोटल यहां पे पीडीएफ भी यहां पे पड़ा है यहां पे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है पूरे गलत न्यूज यहां पे स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश रही थी एनएससी यहां पे जवाब मांगता है स्टॉक एक्सचेंज उनसे क्या मांगता है जवाब मांगता है आप ठीक है और यहाँ पे टाटा पावर अपोलो पाइप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड अपोलो पाइप टाटा पावर एम गोदरेज इंडस्ट्री जोजीज फाइनेंशियल सर्विस तो इनके अंदर यहाँ पे पूरी गलत न्यूज यहाँ पे आई हुई थी अगर इस तरह का आपको लगता है कहीं पे आप न्यूज देखते हैं तो उसके बाद इसको आप विजिट जरूर कर लीजिएगा क्या वो न्यूज सही है या गलत है तो यहां से आपको पता लग जाएगा ठीक है तभी आप यहाँ पे निवेश करेंगे नेक्स्ट डेटा की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं हम पोजिशन एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जो हम मैं डेली आपको बताता हूँ यहाँ पे पोजिशन एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे आप अफाइस जी ट्रेडिंग एक्टिविटी तो यहां से आपको पता चलेगा अफाइज ने क्या खरीदा और क्या बेचा अगर इसको आप इन डेप्थ देखना चाहते हैं डिटेल में और भी डिटेल में तो आप यहां पे एनएसडीएल की वेबसाइट में भी जा सकते हैं वहां पर पूरा डिटेल मिलेगा इनका कि इन लोगों ने म्यूचुअल फंड के अंदर बाय किया कहा बाय किया वो पूरा पता चलेगा ठीक है तो बॉन्ड के अंदर यहां पे कितना किया स्टॉक्स के अंदर कितना किया फ्यूचर ऑप्शन सारा डेटा वहां पे मिल जाएगा यहां पे आपको इतना ही मिल सकता है ठीक है डीआईज ने क्या खरीदा और अफाइज ने क्या खरीदा फिर से हम यहाँ पे मार्केट डेटा की तरफ जाएंगे न्यू लिस्टिंग यहाँ पे आईपीओ भी आपके सामने आ जाता है ठीक है न्यू लिस्टिंग आईपीओ कौन कौन से यहाँ पे न्यू लिस्ट हुए हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जैसे कि कल्याणी है नीरज इस्पात है यहाँ पे ये यह अपकमिंग यहाँ पे आईपीओज हैं करेक्ट और अब यहाँ पे आप देखेंगे न्यू पब्लिक इश्यू यहाँ पे न्यू पब्लिक इश्यू के अंदर यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक कंपनियां हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये लगे हुए हैं और इनके अंदर सब्सक्रिप्सन कितना आ रहा है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ठीक है हमको यहाँ पे थर्ड पार्टी वेबसाइट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है यहीं पे हमको पता चल जाएगा सब कुछ अदर वेबसाइट के अंदर अगर आप देखते हैं वो भी यहीं से जाता है वो कहीं वो आसमान से लेके नहीं आते हैं यहीं से सबसे पहले यहाँ आएगा उसके बाद अदर वेबसाइट के अंदर जाएगा या मेरी वेबसाइट या किसी मनी कंट्रोल की वेबसाइट है तो वहां पे उसके बाद ही जाएगा वहां पे पहले यहां आएगा ठीक है तो इसको आप यहां पे चेक कर सकते हैं आईपीओ को और आईपीओ में जैसे आप क्लिक करेंगे कल्याणी ज्वेलर्स जैसे यहां पे लिखा हुआ है इसके अंदर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ उसको आप यहां पे डिटेल में चेक कर सकते हैं ये यह मैंने यहां पे ओपन कर दिया जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्यू ने यहां पे कुछ भी बाय नहीं कर रखा अभी तक और रिटेल ने यहां पे बाय कर रखा है जीरो पॉइंट टोटल यहां पे जो विट लगी है टू पॉइंट टू जीरो टू पॉइंट टू जीरो एक्स ठीक है तो इस तरह से आप यहां पे चेक कर सकते हैं जितने भी यहां पे आईपीओ आ रखे हैं डिमांड ग्राफ क्या है यहाँ पे आईपीओ की उसको आप यहां पे चेक कर सकते हैं यानी कि कट ऑफ प्राइस में क्या है और विदाउट कट ऑफ यहाँ पे क्या प्राइस बिटिंग लगी यहां पे देखो कट ऑफ के अंदर कम है और विदाउट कट ऑफ यहां पे ज्यादा है ठीक है तो इस तरह से तीन बेट यहां पे सभी लोग डालते हैं जैसे कि मैंने आपको डिमेट के अंदर भी समझाया था किस तरह से आपको यहाँ पे आईपीओ अप्लाई करना है तीन जगह तो उसी तरह से यहां पे भी रहता है ठीक है बढ़ते हैं बहुत खास रिपोर्ट मार्केट डेटा डेली मार्केट रिपोर्ट ठीक है तो यहां पे आप देखेंगे जो इंपोर्टेंट चीज है वही चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सिक्सटीन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वहां पे आप टोटली देख सकते हैं ये आज का है तो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा जो कल का जैसे यहाँ पे फिफ्टीन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इसके अंदर यहाँ पे पूरे ही रिपोर्ट है ठीक है डेली वॉलेटिलिटी सी एस फाइल यहाँ से कौन कौन सा स्टॉक वॉलेटिलिटी जिनके अंदर हाई हो रखी है पूरे मिल जाएंगे आपको किन के अंदर गिरी है ब्लॉक डील किन किन स्टॉक्स के अंदर हुई है और बल्क डील किन किन स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे हुई है डाउनलोड कर सकते हैं, के अंदर। तो ये हैं यहां पे, और भी बहुत कुछ यहां पे स्टॉक्स किस प्राइस पे यहाँ पे सेटलमेंट हो रखे हैं तो वो भी चीजें यहाँ पे, पे आपको मिल जाएंगे ठीक है और भाव कॉपी इसके अंदर आपको मिल जाएगी भाव कॉपी यहाँ पे है क्या भाव यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग प्राइस है अगर एक्चुअली डिमेट के अंदर आपको पता नहीं चल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो यहां से आप चेक कर सकते हैं करेक्ट क्लोजिंग प्राइस तो ये थे दोस्तों यहाँ पे मार्केट डेटा अब मैं यहाँ पे सीधे आपको होम पे ले चलूंगा और वहां देखते हैं कौन कौन से और डेटा है यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ओके होम पेज पे हम आ चुके हैं इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको टॉप फाइव स्टॉक्स जो गेनर होंगे यहाँ पे मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स जिनके अंदर काफी एक्टिविटी है वो यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे आप देखते हैं लूजर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे टॉप लूजर और इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं इन डेप्थ व्यू व्यू ऑल करेंगे टोटल आ जाएंगे यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाता है और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे नीचे करेंगे यहाँ पे आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं ब्रोकर अगर आपके साथ कोई ऐसी तरह का धोखा हो रहा है तो आप कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं ब्रोकर के ऊपर ठीक है और उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जितने भी यहाँ पे कॉरपोरेट अनाउंसमेंट होंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे बोर्ड मीटिंग कब है आपको यहां पता चल जाएगा टोटल बोर्ड मीटिंग आपको यहां पता चलेगा ठीक है तो इसके अंदर आप यहां पे चेक कर सकते हैं वन बाय वन कॉर्पोरेट एक्शन यहां पे आप देखो कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर यहां पे आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी डिविडेंड किन के अंदर यहां पे मिलने वाला है और टोटल लिस्ट आपके सामने बिल्कुल वन बाय वन यहां पे है तो ज्यादा आपको यहां पे अदर वेबसाइट के अंदर यहां पे विजिट करने की जरूरत नहीं है अगर सारी ही रिपोर्ट आपको यहां पे जेन्युन जो वेबसाइट है हमारे पास यहां पे मिल रही है तो क्यों यहां पे थर्ड पार्टी के अंदर आपको जाना है राइट right? हाँ अगर आप न्यूज देखते हैं वो अलग चीज है वहां पे उसके बाद यहाँ पे न्यूज एनालिसिस आपको करने यहाँ पे कौन कौन से न्यूज, न्यूज के अंदर यहाँ पे रूमर्स फैला हुआ है यूट्यूब के अंदर भी यहाँ पे कुछ रूमर्स फैला दिए जाते हैं तो वो भी चीज भी आपको यहाँ पे मिल सकती है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग